हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रेकर। कंटिन्यू रखेंगे रीड 2015 पेपर वन में पूछे गए क्वेश्चंस को। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब तक रीड के प्रीवियस ईयर्स में जितने भी पेपर हुए हैं उन सबको हमने ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किया है। अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगर आप चाहे तो प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, वहां भी आपको सारी वीडियोस एक साथ मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में हम लैंग्वेज वन संस्कृत में पूछे गए क्वेश्चंस देखेंगे, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं उसको ऑफिशियल आंसर की के साथ। रीड 2015 में संस्कृत लैंग्वेज वन के लिए जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो था आपका क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें कि पूछा गया था आपसे कि शिक्षण मूल्यांकनस्य कति भेदाः सन्ति। फर्स्ट ऑप्शन है त्रय, सेकेंड पंच, थर्ड चत्वारः एंड फोर्थ ऑप्शन है षष्ठ। तो इसके जो मार्क्स थे वो सबको बोनस दिए गए थे, इसलिए इसको स्किप करते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया आपसे कि अनुवाद शिक्षणस्य उद्देश्यमस्ति। फर्स्ट ऑप्शन है छात्रेषु, संस्कृत लेखनस्य योग्यता उत्पादनम, सेकेंड है छात्राणाम शब्द भंडारस्य अभिवर्धनम, थर्ड है शब्दकोशस्य वृद्धि भवति एंड फोर्थ ऑप्शन है सर्वमपि। तो अनुवाद शिक्षण का जो उद्देश्य है वो क्या है ये बताइए। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन 1, 2 एंड 3 तीनों ही। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। उपचारात्मकम शिक्षणम भवति। फर्स्ट ऑप्शन है छात्राणाम त्रुटि निवारणार्थम, सेकेंड है पठनस्य अभ्यास, थर्ड लेखन कलासु निपुणता एंड फोर्थ ऑप्शन है सर्वमपि। 33 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, सर्वमपि। क्वेश्चन नंबर 34, चतुर्विध भाषा कौशलानाम कर्म निर्धारणम अस्ति। फर्स्ट ऑप्शन है श्रवणम भाषणम पठनम लेखनम, सेकेंड है भाषणम लेखनम पठनम श्रवणम, थर्ड है पठनम भाषणम श्रवणम लेखनम एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया आपको लेखनम पठनम भाषणम श्रवणम। तो यहाँ पे आपको इसको क्रम से लगाना है, पहले कौन फिर कौन फिर कौन और फिर कौन। तो यहाँ पे 34 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, श्रवणम भाषणम पठनम लेखनम। सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया आपसे कि संस्कृत मूल्यांकनस्य हेतु प्रश्न भवेयु। फर्स्ट ऑप्शन है निबंधनात्मका, सेकेंड लघु उत्तरात्मका, थर्ड अति लघु उत्तरात्मका एंड फोर्थ ऑप्शन है समन्विता। 35 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, समन्विता। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया आपसे कि कह प्रयोग शुद्ध। फर्स्ट ऑप्शन है अलम हसिताय, सेकेंड है अलम हसितेन, थर्ड अलम हसित एंड फोर्थ ऑप्शन है अलम हसितस्य। 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अलम हसितेन। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। मनोरथ इत्यत्र संधि विच्छेद कह अस्ति। फर्स्ट ऑप्शन है मन धनरथ, सेकेंड है मनु धनरथ, थर्ड मनस धनरथ एंड फोर्थ ऑप्शन है मनुधनरथ। तो यहाँ पे इसका सही संधि विच्छेद किस ऑप्शन में किया गया है उसे चूज करिए। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। शुद्धा पद्म अस्ति। फर्स्ट ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीयम, सेकेंड अंतर्राष्ट्रीयम, तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि अंतर्राष्ट्रीयम कहाँ सही सही लिखा गया, यानी कि जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। 38 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया आपसे कि लेखन कलाया अत्यधिकम महत्वम वर्तते। फर्स्ट ऑप्शन है मंचेसु, सेकेंड नाट्य स्थलेषु, थर्ड गृहेषु एंड फोर्थ ऑप्शन है विद्यालयेषु। 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, विद्यालयेषु। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर 44 तक के उत्तर देने के लिए आपको नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को रीड करना है और इसको अच्छे से समझने के बाद रिलेटेड क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उसके जवाब देने हैं आपको। लिखा गया है यहाँ पे कि संस्कृत भाषा जगत सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा सर्वोत्कृष्ट साहित्य संयुक्ता च वर्तते अनंतांत वर्षेषु व्यपगतेष्वपि अस्या माधुर्यम उदारत्वम च नादापि विकृतम पाश्चात्य देशीया विचारशीला
किलहार्न, मैक्स मूलर, मैकडोनाल्ड, किथादय, विद्वांस, संस्कृत भाषाया प्रशंसा कुर्वन्। सर्वा सामर्य भाषायाम उत्पत्ति अतः एव बभूव। पुरा सर्वे जना संस्कृत भाषा ये व भाषंत। अतः सर्वमपि प्राक्तन साहित्यम संस्कृत भाषायामेव उपलभ्यते। सर्वे प्राचीनतमा ग्रंथा चात्वरो वेदाश्च संस्कृत भाषायामेव सन्ति। वेदेषु मानव कर्तव्य कर्तव्योः सम्यक निर्धारणमस्ति। संस्कृत साहित्यम भारतस्य गौरवम उद्घोषयति। समस्तं देशं च एकता सूत्रे बध्नाति। अस्य साहित्यस्य प्रचार प्रसारश्च नितान्त लाभप्रद। एतं जज्ञानविहीनस्तु पशुरेव। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया आपसे कि जगत इत्यत्र का विभक्ति। फर्स्ट ऑप्शन है प्रथमा, सेकंड षष्ठी, थर्ड सप्तमी एंड फोर्थ ऑप्शन है तृतीया। तो जगत में किस विभक्ति का यूज किया गया है ये बताइए। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, खष्टी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। व्यपगतेष्वपि इत्यत्र कः संधि। फर्स्ट ऑप्शन है यन संधि, सेकंड विसर्ग संधि, थर्ड वृद्धि संधि एंड फोर्थ ऑप्शन है पररूप संधि। 41 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन वन, यन संधि। क्वेश्चन नंबर 42। विकृतम इत्यर्थ कः प्रतत्य। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया आपको कतवतु, सेकंड कत्वा, थर्ड त एंड फोर्थ ऑप्शन है नुवुल। 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43। संस्कृत भाषायाम कति वेदा संधि। फर्स्ट ऑप्शन है सप्त, सेकंड पंच, थर्ड दस एंड फोर्थ ऑप्शन है चत्वारः। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि वेद जो है हमारे वो चार है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो यहाँ पे 43 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया आपसे कि एकता सूत्रे इत्यत्र सामास विग्रह कह संति। फर्स्ट ऑप्शन है एकताया सूत्रे, सेकंड एकता सूत्रे, थर्ड एकताम सूत्रे एंड फोर्थ ऑप्शन है एक अस्मिन सूत्रे। 44 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन वन, एकताया सूत्रे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 से लेकर 49 तक को सॉल्व करने के लिए हमें फिर से एक गद्यांश को रीड करना है और फिर उससे रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लिखा गया है यहाँ पे कि भारतवर्ष एक महान देश वर्तते। अस्मिन अनेके प्रदेशा सन्ति, तेसु राजस्थान प्रदेशु अपि एकः वर्तते। अयम प्रदेश मूलतः विविध राज्ञा स्थली वर्तते। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात तेषां एकीकरणम् अभवत्। अस्मिन् एकीकरणे पटेल महोदयस्य महत्वपूर्ण भूमिका आसीत्। साम्प्रतं राजस्थान प्रदेशः एकं राज्यं वर्तते। अस्य राजधानी जयपुरम् अस्ति। राजस्थान प्रदेशस्य काश्चन एतादृश्य विशेषता सन्ति या खलु अत्यंत्र न लभ्यन्ते। अस्य प्रदेशस्य भूमि वीराणां वीरांगनानां च जननी वर्तते। साम्प्रतं शिक्षा क्षेत्रे राजस्थान प्रदेशे उन्नति पथाम रूढो वर्तते। अत्र छात्राणां कृते उच्च शिक्षाया उत्तमा व्यवस्था वर्तते। अत्र अनेकानि रमणीयानि स्थानानि वर्तन्ते। अस्य प्रदेशस्य भाषा राजस्थानी वर्तते। अत्रत्या संस्कृति सर्वत्र प्रसिद्धा। अब क्वेश्चन देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड पूछा क्या गया है हमसे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया आपसे कि राज्ञाम इत्यत्र का विभक्ति अस्ति। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सप्तमी बहुवचनम, सेकंड खष्टी बहुवचनम, थर्ड पंचमी बहुवचनम एंड फोर्थ ऑप्शन है चतुर्थी बहुवचनम। 45 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, खष्टी बहुवचनम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। अभवत इति पदम कस्मिन लकारे प्रयुक्तमस्ति। फर्स्ट ऑप्शन है लट लकारे, सेकंड लोट लकारे, थर्ड लड लकारे एंड फोर्थ ऑप्शन है विधिलिंग लकारे। 46 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, लड लकारे। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया आपसे कि वीरानाम इत्यस्य विलोम शब्द कह अस्ति। फर्स्ट ऑप्शन है वीरांगना नाम,
सेकंड वीरान, थर्ड वीरानी एंड फोर्थ ऑप्शन है वीरेसु। तो यहाँ पे आपको वीरा नाम का विपरीतार्थक यानी कि अपोजिट बताना है। 47 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन वन वीरांगना नाम। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया आपसे कि छात्रा नाम कृते इति पदस्य प्रियाय अस्ति। फर्स्ट ऑप्शन है छात्रेसु, सेकंड छात्राय, थर्ड छात्रेन एंड फोर्थ ऑप्शन है छात्रान। तो इसके जो मार्क्स थे वो सबको बोनस के रूप में मिले थे, तो इसको स्किप करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया आपसे कि अत्र अनेकानि रमणीयानि अस्थानानि वर्तन्ते, वाक्यस्य लोट लकारे परिवर्तितम रूपम अस्ति। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया आपको कि अत्र अनेकानि रमणीयानि अस्थानानि सन्ति, सेकंड है अत्र अनेकानि रमणीयानि अस्थानानि आसित, थर्ड है अत्र अनेकानि रमणीयानि अस्थानानि वर्तन्ताम एंड फोर्थ ऑप्शन है अत्र अनेकानि रमणीयानि अस्थानानि भविष्यन्ति। तो यहाँ पे आपको लोट लकार में परिवर्तित करना था। करेक्ट होगा 49 का हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, हरि बैकुंठ में रहते हैं, संस्कृत अनुवादम कुरुत। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि हरि बैकुंठम अधिवसति, सेकंड है हरि बैकुंठम वसति, थर्ड हरि बैकुंठे अधिवसति एंड फोर्थ ऑप्शन है हरि बैकुंठे उपवसति। 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन वन। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया आपसे कि सह पत्रम लिखति, वाक्यस्याय वाच्य परिवर्तनम कुरुत। फर्स्ट ऑप्शन है सह पत्रेन लिखति, सेकंड तेन पत्रम लिख्यते, थर्ड तेन पत्रम लिखति एंड फोर्थ ऑप्शन है सह पत्रम लिख्यते। 51 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी तेन पत्रम लिख्यते। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नांकितेषु शुद्धम वाक्यम अस्ति। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया आपको कि सह ईश्वरम नमति, सेकंड है सह ईश्वराय नमस्करोति, थर्ड है सह ईश्वरस्य नमस्करोति एंड फोर्थ ऑप्शन है सह ईश्वरेन नमस्करोति। 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन वन सह ईश्वरम नमति। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, निम्न सुक्ते मूल रूपमस्ति। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको कि अहितम मनोहारी च सुलभम वचन, सेकंड है हितम मनोहारी च सुलभम वच, थर्ड है हितम अमनोहारी च दुर्लभम वच एंड फोर्थ ऑप्शन है हितम मनोहारी च दुर्लभम वच। 53 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 54, बलि से पृथ्वी मांगता है वाक्यस्य अनुवाद अस्ति। फर्स्ट ऑप्शन है बले वसुधा याचति, सेकंड है बलिम याचते वासुधाम, थर्ड है बलि याचते वसुधा एंड फोर्थ ऑप्शन है बलिना याचते वसुधा। 54 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 55, संस्कृत भाषा शिक्षणस्य प्रथमम कौशल विद्यते। फर्स्ट ऑप्शन है श्रवणम, सेकंड पठनम, थर्ड संभाषणम एंड फोर्थ ऑप्शन है लेखनम। तो जो भाषा शिक्षण का पहला कौशल होता है वो होता है सुनना, तो 55 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन वन। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया आपसे कि नाटक पाठ योजनायाम शिक्षक रंगमंचे कार्यति। फर्स्ट ऑप्शन है पाठनम, सेकंड अभिनयम, थर्ड लेखनम एंड फोर्थ ऑप्शन है वाचनम। 56 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी अभिनयम। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया आपसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम किम अस्ति। फर्स्ट ऑप्शन है नाटकम, सेकंड महाकाव्यम, थर्ड खंडकाव्यम एंड फोर्थ ऑप्शन है कथा। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना जो की थी वो कालिदास ने की थी, और ये जो है वो है एक नाटक, यानी कि ऑप्शन वन हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया आपसे कि कथा श्रवणे अनावश्यकम वर्तते। फर्स्ट ऑप्शन है कथा श्रवणम, सेकंड सरल भाषा, थर्ड कथा या मुख्य विशेषता एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया आपको पुस्तकस्य प्रयोग। 58 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। कहानी सुनने में जो अनावश्यक है यानी कि जो जरूरी नहीं है वो है
बुक का यूज करना। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया आपसे कि निम्नांकितेषु शब्देषु उपसर्ग रहित शब्द अस्ति। फर्स्ट ऑप्शन है अनुराग, सेकंड पराग, थर्ड विराग एंड फोर्थ ऑप्शन है संलाप। 59 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, पराग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। संस्कृत शिक्षण प्राचीन पद्धति मुख्य उद्देश्यमस्ति। फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय संस्कृति परिचय, सेकंड है स्वाध्याय प्रति छात्रानाम अभिरुच्य उत्पादनम, थर्ड है शुद्ध उच्चारणस्य सामर्थ्य प्रदानम एंड फोर्थ ऑप्शन है सर्वे। तो संस्कृत शिक्षण प्राचीन पद्धति का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये सभी है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने रीड 2015 लेवल 1 में लैंग्वेज 1 के लिए संस्कृत के पूछे गए क्वेश्चंस को ऑफिशियल आंसर की के साथ देखा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा और शेयर भी जरूर करिएगा अपने वैसे फ्रेंड्स के साथ जो किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।